नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज हम आप लोगों के साथ लेके आ गए हैं काजू पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। शाही पनीर है लेकिन हम थोड़ा दूसरे अनोखे स्टाइल में बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है ये। देखिए कितनी लजीज हुई है, काजू वाली सब्ज़ी है ये पनीर की। तो इसे बनाकर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए कितनी लजीज हुई है, ग्रेवी भी कितनी टेस्टी हुई है दोस्तों। तो ये बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होती है, काजू के साथ हम इसे बनाएंगे। तो देखिए पास से आप लोग को हम एक बार दिखा देते हैं कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी हुई है पनीर की। तो ऐसे आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें और अपने घर पे बना करके इसे ट्राई करें। तो चलिए इसे बना लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे पर हम चढ़ाएँगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे कटा हुआ 2 प्याज। उसके बाद यहीं पे हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन की 12 से 13 कलियां हमने डाल लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च को हम ऐड करेंगे खड़ी। उसके बाद हम डालेंगे काजू इसमें, एक छोटा प्लेट 4 चम्मच के अकॉर्डिंग हमने काजू डाल लिया है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, इनका आसानी से पेस्ट बन जाए। तो देखिए प्याज कितने अच्छे खुल गए हैं सारे, और इनको हम छान लेंगे छन्नी से, साइड में रख लेंगे। तो ऐसे ग्रेवी बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। तो ऐसे आप लोग प्याज को सॉफ्ट कर लें, काजू को भी सॉफ्ट कर लें, लाल मिर्च जो भी है इसको सॉफ्ट कर लें। तो देखिए इसे हम एक प्लेट में रख के ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये ठंडा कर लिए, ठंडा हो रहा उधर, तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। पनीर को अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए। तो देखिए मैं मीडियम शेप में इसे थोड़ा बड़ा साइज में कट कर ली हूँ, ऐसे काट लेना है। देखिए पनीर कितना फ्रेश है, इसको भी मैंने काट लूँगी अच्छे से। तो देखिए इसे काट करके हमने तैयार कर लिया है फ्राई करने के लिए। चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर को ऐड कर लेंगे। पनीर को हम फ्राई करेंगे। पनीर दोनों तरफ से हम गोल्डन होने देंगे, तब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज डाल लेंगे पॉट में, सबसे पहले प्याज लहसुन, प्याज को हमने डाल लिया। इसमें लहसुन भी डाल लेंगे, लाल मिर्च 2 हमने डाली थी वो भी डाल लेंगे, और काजू को भी डाल लेंगे। इसका जितना महीन पेस्ट होगा फाइन पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसका कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। इधर पनीर को हमने फ्राई किया है, तो पनीर को अच्छे से पलट करके दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई हो गया है। तो इसे हम साइड में तेल करके निकाल लेंगे, छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए पनीर हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं साइड में तेल करके। हम निकाल लिए हैं, देखिए कढ़ाई से पनीर निकाले थे उसी तेल में हमने इस पेस्ट को डाल दिया है, जो पेस्ट बनाए थे प्याज लहसुन काजू और लाल मिर्च का, बस वही पेस्ट हम डाले हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया दिखाने में, और इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम कुछ इसमें सूखी मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये तो आप लोग के साथ जो उबाले थे उसका पेस्ट है, काजू प्याज और लहसुन लाल मिर्ची का। तो देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, गोल्डन होने लगा है। यहीं पे हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसमें हम इसे ऐड कर लेंगे और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए मसाले कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सा पेस्ट बना है, तो इसलिए मसाले भी एकदम चिकने चिकने लग रहे हैं। ये शाही पनीर आप लोग बना के ज़रूर खाइएगा, काजू वाला बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो इसको हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहीं पे हम डालेंगे 1 चम्मच घी, घी भी हम ऐड करेंगे जिससे थोड़ा सा सब्ज़ी में मिठास आए, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी तीखी अच्छी नहीं लगती है।
कितना लोग चीनी भी ऐड करते हैं, बट मैं यहाँ चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ, घी ऐड कर रही हूँ। और मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए कितने टेस्टी मसाले फ्राई हो रहे हैं। तो ऐसे आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं रियली दोस्तों। यहीं पे हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। मसाले को हम फ्राई करेंगे, जब तक फ्राई करेंगे तब तक कि साइड साइड से तेल ना छोड़ दे पनीर के मसाले। तो साइड साइड से जब तेल छोड़ने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि मसाला मेरा रेडी हो गया है। तो देखिए एकदम कितना खिला हुआ मैरून कलर आ गया है मसाले का, और तेल भी छोड़ने लगे हैं पूरा मसाले, जिससे पता चलता है कि मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हम इन्हें नीचे से चलाते हुए हल्का हल्का चलाएंगे, पकाएंगे मसाले को, जिससे मसाले नीचे पकड़े नहीं। तो देखिए मसाले साइड साइड से तेल छोड़ने लगे हैं, पास से आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए किनारे किनारे से तेल छोड़ने लगे हैं मसाले। तो मसाले मेरे एकदम कढ़ाई को छोड़ दिए हैं, इसका मतलब हलवा की तरह हो गए हैं, मसाले पक गए हैं। देखिए हलवा की तरह लग रहे हैं मसाले पूरा। यहीं पे हम चलाते हुए इसको चारों तरफ से, देखिए कितने टेस्टी खुशबू आ रही है। देखिए मसाले में आप अपने ग्रेवी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा। मैं तो हल्का ग्रेवी वाली बनाऊंगी, तो यहीं पे मैं पानी ऐड कर ली हूँ। देखिए ग्रेवी में आपको गाढ़ा ग्रेवी चाहिए, पतला चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पतला भी ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए पानी हमने ऐड कर लिया है, और इसको हम मिक्स कर देते हैं कि मसाले अच्छे से मिल जाए ग्रेवी में। तो देखिए अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो इन्हें हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें उबाल आ गया है देखिए दोस्तों, तो ढक्कन हटा करके एक बार हम ग्रेवी को चला लेते हैं। ग्रेवी को हमने ढक्कन हटा के चला लिया है। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। तो चलिए दोस्तों फ्राई किया हुआ पनीर को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्राई किया हुआ पनीर हमने ऐड कर लिया है इसमें। देखिए कितनी लजीज लग रही है सब्जी। इन्हें हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे पनीर और मसाले आपस में पक जाए, मिल जाए। तो देखिए ढक्कन हटा के आप लोगों को दिखाते हैं शाही पनीर अनोखे स्टाइल में काजू वाले, कितने टेस्टी बन के तैयार है। तो चलिए इन्हें हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए पास से आप लोग को दिखा देते हैं कितनी लजीज हुई है सब्जी। इसे आप लोग चावल, रोटी, पुलाव, पूरी किसी के साथ खा सकते हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी टेस्टी बन के सब्जी तैयार है पनीर की। तो आप लोग को मेरे पनीर की सब्जी का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो सब्जी कितनी टेस्टी हुई है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगे पनीर की तो मिलती हूँ फिर एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ रेसिपी लेकर के। अभी के लिए बाय। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।